सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इज सी सैट जो आजकल बहुत लोग इग्नोर कर रहे हैं पीपल थिंक कि कुछ नहीं है थोड़ा बहुत है हो जाएगा बट इन द लास्ट टू टू थ्री ईयर्स स्पेशली यूपीएससी एस डिवाइज दिस मेथोडोलॉजी कि वो सी सैट में ज्यादा बच्चों को हटा रहा है मोर देन द जी एस पेपर्स ठीक है वन रीजन फॉर कट ऑफ गोइंग डाउन इज ऑल्सो बिकॉज बहुत सारे लोग तो सी सैट ही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं सो बी वेरी माइंडफुल की स्पेशली इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड आई वुड से नॉट इवन कि अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हैं या नहीं है दो से तीन पेपर्स तो फुल लेंथ प्रैक्टिस करके जाने ही जाने हैं दिस इज अ कॉमन थिंग फॉर ऑल द पीपल जो किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं आप एग्जाम में उस कंडीशन में लैंड अप नहीं कर सकती कि यार मुझे तो मैथ्स आता है हमने कॉलेज में पढ़ा है स्कूल में पढ़ा है सडनली वहां चले गए और पेपर कर रहे हैं वैसा नहीं होगा आई नो इंजीनियर्स आई नो पीपल फ्रॉम मैथ्स ऑप्शनल जिनका सी सैट क्लियर नहीं हुआ है ठीक है तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है वॉट यू हैव टू डू जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं है उन लोगों को स्पेशली टारगेट करूंगी बिकॉज आई हैव बीन फ्रॉम अ नॉन मैथ बैकग्राउंड तो सी सैट में एक कोई भी आप बुक मार्केट से ले लें जो कि क्वांट वाले पोर्शन को कवर करती है करती है आई टुक दिस डॉक्टर आर एस अग्रवाल का एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बुक आता है आई एम नॉट सी दिस इज ओनली बुक दैट यू कैन रेफर टू कोई और बुक मिल रहा है उस बुक को यूज करो आइडिया इज कि कुछ कॉमन टॉपिक्स जैसे कि एवरेजेस है परसेंटेज है प्रॉफिट लॉस है स्पीड टाइम डिस्टेंस है इन क्वेश्चन को पास्ट या पेपर से देखो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो स्पेशली सिक्स मंथ्स बिफोर योर फिलिम्स आई थिंक जो लोग मैथ में वीक हैं प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन सिक्स मंथ्स आई एम सेइंग इसका मतलब ये है कि आपको रोज़ नहीं प्रैक्टिस करना है मे बी वंस इन अ वीक ट्वाइस अ वीक क्योंकि एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग है तो, तो तो एक थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसका रहना चाहिए तो जो लोग मैथ में वीक हैं वो लोग स्टार्ट करें दो से तीन दिन लगा के अगर आप सपोज एवरेजेस पिक करते हैं तो तीन चार दिन एवरेजेस के उस बुक से लेके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें फिर तो पास्ट या पेपर में देखें कि एवरेजेस के, के कैसे क्वेश्चन आए हैं क्या आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं तो सिम्प तो सिंपल आइडिया है उस क्वेश्चन को टाइप करो यूट्यूब पे यू विल गेट एटलीस्ट टेन वीडियोज जो आराम से उसको टू टू थ्री मिनट्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं वीडियो इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको दस बार देखना दस बार देखो बीस बार देखना बीस बार देख सकते हो वॉच दैट वीडियो एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कोई चीज समझ आ गई है तो ठीक है अगर लगता है रिविजन की जरूरत है तो नोट इट डाउन समवेयर मे बी इन योर नोटबुक मे बी पेपर के बगल में स्क्रिबल कर लो समवेयर और दी अदर बट सी सर प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है एंड ऑल्सो यू विल हैव टू सॉल्व अ फ्यू टेस्ट बिफोर यू गो फॉर योर सी सार्ट पेपर आई टू द विजन आई एस का सी सैट का फाइव टेस्ट का टेस्ट सीरीज का जो प्रोग्राम है आई एनरोड फॉर दैट एंड आई प्रैक्टिस दोज फाइव पेपर्स इन एन एग्जाम लाइक कंडीशन कि दो घंटे में प्रैक्टिस करना है कि कितने क्वेश्चन करने हैं तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि यार अप्रोक्सीमेटली मुझे फिफ्टी फाइव क्वेश्चन अटैम्प्ट करके मेरा पॉजिटिव स्कोर आ रहा है सिक्सटी करने हैं फोर्टी करने हैं वॉट एवर दैट नंबर विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट वो एक आइडिया उससे लग जाएगा एंड दूसरा अगेन फॉर सी साइट पास्ट ईयर पेपर्स करके जाने हैं स्पेशली लास्ट फाइव ईयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर चाहे आप जीएस के लिए करें चाहे सी साइट के लिए करें माई आइडिया वुड बी गो बैकवर्ड्स इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी नाइनटीन एटीन एंड ऑल ऑफ दैट थर्टीन से स्टार्ट ना करें बिकॉज वो पैटर्न तब थोड़ा अलग था तो लगेगा कि यार वहां के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं पर फिर एक फॉल सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा उस तरीके से ना अप्रोच करें एग्जाम को